नमस्कार दोस्तों, एस बी टेक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए 5,846 पदों में वैकेंसी निकल चुकी है। फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, फीस आपको कितनी देनी है, एज लिमिट क्या है, टोटल वैकेंसी कितनी है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो एप्लीकेशन आपके 1 अगस्त से चालू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है आपको फॉर्म भरने की वो 7 सितंबर है, और जो फीस जमा करने की आपकी लास्ट डेट है वो 9 सितंबर है। और ऑफलाइन जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है, मतलब जो आपको चालान अगर SBI बैंक में आप जमा करते हैं, तो वो आपकी 14 सितंबर होगी। ऑनलाइन एग्जाम डेट जो आपकी है, नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, और एडमिट कार्ड आपको नवंबर में अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस है, और SC ST और फीमेल आल कैटेगरी के लिए 0 फीस है। मतलब जो SC ST हैं या फीमेल कैटेगरी है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और आप फीस का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, या फिर आपके SBI के किसी ब्रांच में आप ई चालान जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। तो आपको जो मिनिमम 18 साल, आपके 1 जुलाई 2020 को 18 साल के आप हो जाने चाहिए, और 1 जुलाई 2020 में आप 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, जो OBC हैं या SC ST जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए OBC के लिए 3 साल आयु में छूट रहेगी, और जो SC कैटेगरी में आते हैं SC ST उनके लिए 5 साल की छूट रहती है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी 5,846 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 3,902 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,944 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपका 12वीं क्लास यानी 10+2 आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, या ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। तो उनका LMV ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मतलब कार वाला, फोर व्हीलर वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये फॉर्म भरते वक्त आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जब फिजिकल टेस्ट होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तब आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो ST कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी हैं जो, उनके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट के लिए बात करते हैं, जनरल OBC जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो ST कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब रेस आपकी मेल कैंडिडेट है, उनके लिए 6 मिनट में आपको 16 सौ मीटर की रेस पूरी करनी है, और फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है। अब बात करते हैं हाई जंप की। तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए वो 14 फीट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट आपको लॉन्ग जंप में जंप करना है। अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको एक फोटो चाहिए होगी कलर्ड, जिस जो आपकी 3 महीने ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो पे आपकी डेट लिखी हो, मतलब 3 महीने पुरानी डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। बिना डेट वाली फोटो अपलोड ना करें। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 से 20 KB में आपको स्कैन करना है, और फोटो आपको 20 से 50 KB में स्कैन करना है। और जो लर्निंग लाइसेंस है, आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं जरूरत पड़ेगी, वो आपको फिजिकल टेस्ट के टाइम, ये जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की वहाँ आपको दिखाना होगा। अब बात करते हैं ID प्रूफ की। तो एक आधार कार्ड आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए, अगर आधार कार्ड ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप वोटर ID, पैन कार्ड, किसी भी एक ID प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की डिटेल आपको फॉर्म भरनी होगी, एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और एक एक्टिव ईमेल ID होगी। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के बाद आपको लॉगिन करके फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने कभी SSC का फॉर्म पहले कभी भरा होगा, तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा, आप वही सेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया SSC में, वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद वो फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।